थोड़ा देखना यहां से कुछ दिखा क्या तुम लोग को दिखा कुछ। चलो यहां से देखो कुछ दिखा कुछ दिखा। ये देखो तो आज ये सारे सवाल करने वाले हैं तो थोड़ा सीट बेल्ट बांध लेना ठीक है। दिख रहा है कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये तुम लोग के लिए एनिमेशन तैयार करके रखे थे इतना लंबा ठीक है। हर एक सिस्टम में दिख रहा है एनिमेशन। ये देखो देखा। और ये तो सबसे मेरा माथा खराब हो गया था इसको तैयार करने में ठीक है। फिर से देखो कुछ दिखा सबको। और ये तो कमाल है ठीक है। और ये देखो दिख गया। अरे ये तो ओ ये देखो तो ठीक है। अब नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सीखना है ताकि हमें समझ में आए कि हर तरह के मोशन में सेंटर ऑफ मास का क्या रोल है और कैसे काम करना है इसके साथ में। स्टार्ट करा जाए तो फटाफट। हाँ फटाफट स्टार्ट करते हैं और अच्छी अच्छी बातें। तो हमको क्या क्या पता है ना। वी नो दैट है ना, ये स्टार्ट कर सकते हैं बात। वी नो दैट से स्टार्ट करते हैं कि आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एम वन आर वन वेक्टर प्लस में ठीक है एम वन आर वन वेक्टर प्लस में एम टू आर टू वेक्टर प्लस में एम थ्री आर थ्री वेक्टर ये करे थे ना। अब बाई टोटल मास ये ना था। ये हम लोग जानते हैं ना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है हमारे पास। ये हमें पता है ना। अगर हम एक बात करें कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दें क्या, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है ना। तो आर सेंटर ऑफ मास बाय डी टी कर लेते हैं। ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर सकते हैं क्या। समझ में आया बात। अगर हम ये कह दें कि पार्टिकल है जिसका वजन है एम वन और उसका लोकेशन है आर वन वेक्टर पर, और एक पार्टिकल है एम टू इसका लोकेशन है आर टू वेक्टर पर, समझ गए, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं इस जगह पर होगा। कहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर है ठीक है। ये इसका आर सेंटर ऑफ मास है। क्या तुम लोग को सबको समझ में आ रहा है बात। अब सोच के देखो, अगर हम एक बात सोचें यहाँ से, ये वाला पार्टिकल मान लो कि इधर की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से और ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से। ये सेंटर ऑफ मास सोच के देखो क्या होने वाला है कि थोड़ा देर के बाद का पिक्चर इमेजिन करके देखो। इमेजिन करना सिर्फ थोड़ा देर के बाद, ये पार्टिकल तब यहां हो जाएगा और ये पार्टिकल कहीं मान लो कि इसका स्पीड ज्यादा थी यहां पहुंच गया। कह सकते ये बात क्या, मान लेते हैं ऐसे ठीक है। तो देखो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, पहुंच गया। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच गया तो क्या सेंटर ऑफ मास भी यहां से यहां तक पहुंच गया क्या। देखो तो अगर पार्टिकल एम वन वी वन रफ्तार से यहां पहुंच गया है और एम टू भी यहां पहुंच चुका है तो क्या ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये ना लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये भी आगे बढ़ चुका है ना। तो इसका जो रफ्तार है हम इसी कह रहे हैं वी सेंटर ऑफ मास। समझ गए बात को ठीक है। तो इसको कैसे कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसी इक्वेशन को। ये तो नीचे में तो कांस्टेंट है, इसको पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं एम टोटल को। अब बाहर में एम वन है और क्या करेंगे आर वन को डिफरेंशिएट करेंगे एन करते हैं। अब प्लस में एम टू टाइम्स ऑफ डी आर टू बाई डी टी कसते हैं बात। तो थोड़ा ध्यान से लिखोगे तो एम टोटल एम वन और ये तो वी वन है क्या, डी आर वन बाई डी टी वी वन है क्या, और हाँ एम टू क्या है, ये तो वी टू है। सबको समझ में आया। तो बेसिकली क्या मिला देखो, तो एम वन वी वन वेक्टर प्लस में एम टू वी टू वेक्टर बाय एम वन प्लस में एम टू। समझ में आया बात। क्या ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सबको दिखा है कि नहीं है। और मान लेते हैं कि पी वन जो है वो एम वन वी वन है और पी टू जो है वो हमारा एम टू वी टू है, कह सकते क्या। तो लेट कर ले, नहीं 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 हाँ एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे तो एम वन वी वन वेक्टर और एम टू वी टू वेक्टर। ये देखो ये पी वन है क्या
और ये पी टू हो गया क्या, अब बाय टोटल मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। थोड़ा ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ये लिखे ना, देखो तो पी वन वेक्टर प्लस में पी टू वेक्टर बाय टोटल मास ये लिखे हैं। थोड़ा इसी को अच्छे से लिख देगा, पी वन वेक्टर प्लस में पी टू वेक्टर इक्वल टू एम टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कर देंगे क्या, कर सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको ऐसे है? चलो ठीक है, यहां स्टार्ट करते हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं यहां से थोड़ा सा चीज का, बस और कुछ नहीं है। मान लो कि अगर हमने कह दिया कि 10 केजी का एक ब्लॉक है, ध्यान सुनना, 10 केजी का एक ब्लॉक है जिसका रफ्तार इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और यहां पर हमने 20 केजी का एक ब्लॉक रख दिया जो कि इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। सवाल ये कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्द जल्दी बताओ तो जल्दी से, दोनों का दोनों एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, जल्दी बताओ कितना होगा, अरे यार कितना आएगा, क्या होता है, बी सेंटर ऑफ मास एम वन बी वन प्लस में एम टू बी टू बाई एम वन प्लस में एम टू, ये होता है। तो एम वन कितना दिख रहा है 10, बी वन कितना दिख रहा है 2, प्लस में एम टू कितना दिख रहा है, नंदिनी तुमको समझ में नहीं आया, सांप सूंघ गिरे तो काय ने बन रहा है तुम जैसे, 20 प्लस में 100 बाय 30 तो कितना हो गया, 120 बाय 30 तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बहुत भारी सवाल था? अगर हम सेकेंड नंबर एग्जांपल ने मान लेते हैं कि ये हमारा यही 10 केजी का एक ब्लॉक है जो कि इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये जो 20 केजी का एक ब्लॉक है, ध्यान से देख रहा, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और हमने इधर की तरफ एक्स लिया हुआ है, इधर की तरफ वाई लिया हुआ है, तो जल्दी से बताओ क्या लिखोगे, बी सेंटर ऑफ मास में एम वन कितना दिख रहा है 10 इंटू 2 आई कैप लिख सकते हैं क्या, देखो तो सही सही चल रहा है क्या, 10 इंटू 2 आई कैप प्लस में 20 इंटू 5 जे कैप, सही लिखे क्या, अब भाई दोनों का मास, क्या तुम लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आया, अरे बैल सब ये ना, तो क्या लिख देंगे 2/3 आई कैप प्लस में 10/3 जे कैप, हुआ क्या, अरे बोलो रे, क्या एकदम आसान हुआ कि बहुत भारी है, आयुष हाँ अंश, अंश बाबू ये देखो ये आईआईटी 2072 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए, अरे कुछ तो बोलो बैलाट सब कुछ नहीं बोलते, चलो ठीक, नहीं ट्वेंटी 23 का नहीं पता है, एम वन बी वन वेक्टर प्लस में एम टू बी टू वेक्टर बाय एम वन प्लस में एम टू, क्या यहां तक हमको समझ में आ चुका है? तो अगर हम तुमसे पूछें कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो हम इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या तुम लोग को भावनाओं को समझ गए हम क्या करने वाले हैं? तो सीधा सीधे हम लिख दें क्या एम वन ए वन अब प्लस में एम टू ए टू, कर दें क्या, अब बाई एम वन प्लस में एम टू, क्या एकदम सेम काम होने वाला है, क्या एकदम सेम काम होने वाला है? और ये तो सर देखो ये पार्टिकल अगर हम कह दें कि एम वन मास है इसका एक्सेलरेशन मान लो इधर की तरफ है ना, और ये एम टू मास है इसका एक्सेलरेशन मान लो इधर की तरफ है, तो बेसिकली अगर इस मास का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो जरूर कोई ना कोई सर फोर्स लगा होगा इस पे, सही बात है क्या, है क्या, इस पे एफ टू लगा होगा फोर्स, और इस पर जरूर है इधर की तरफ एफ वन फोर्स लगा होगा, जिधर फोर्स लगा उधर एक्सेलरेशन हुआ होगा, और ये एफ वन का वैल्यू ही एम वन ए वन होगा, क्या तुम लोग को इतना पता है कि नहीं, और ये एम टू ए टू होगा, होगा इतना समझ रहे हो,
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहां से लिखें कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के जगह पे, तो हम इसको लिख दें कि एफ वन वेक्टर प्लस में एफ टू वेक्टर बाय टोटल मास। तो बेसिकली क्या आ गया, देखो तो एफ वन वेक्टर प्लस में एफ टू वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस में एफ एन वेक्टर, बहुत सारे फोर्सेस हैं, क्या आ रहा देखो तो एम वन प्लस में एम टू प्लस में एम थ्री प्लस डॉट 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 एम एन, ए सेंटर ऑफ मास। क्या ये फॉर्मूला हम लोग पहचानते हैं क्या? यही है क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड वाला? ये इनका आता है कि नेट फोर्स ए ना है, एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, ए नेट। ये नहीं पढ़े थे? याद आया हम लोग जब एलएलएम स्टार्ट कर रहे थे, यहीं से तो स्टार्ट कर रहे थे। देखो तो है ना, लौट के बुद्धू घर को आए वाले कहानी हो गया, नहीं हो गया? जहां से स्टार्ट करे थे वहीं पर पहुंच गए, है ना जी। तो एक सिस्टम पर जब फोर्सेस लग रहे थे, हम इस तरह से काम कर सकते कि नहीं कर सकते? और ये तो करते हुए आए हम लोग। एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर वन देखो ध्यान से। मान लो कि वही 10 kg का एक ब्लॉक है जो इधर की तरफ 3 m/s² से जा रहा है, एक ब्लॉक है इधर की तरफ 10 kg का जो कि इधर की तरफ जा रहा है 2 m/s² की रफ्तार से, और एक और ब्लॉक है जो कि इधर जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये भी 10 kg का ये ब्लॉक है, ये 4 m/s² जा रहा है ना, और एक और ब्लॉक है जो इधर जा रहा है 10 kg का, ये 5 m/s² जा रहा है। बताओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बन गया तुम लोग से? यही बन जाएगा आराम से। तो क्या लिखोगे नंदिनी? आप तक तो आवाज आ जाना चाहिए था तुम्हारा। रे क्या तुम डॉक्टर बनेगी रे? 3 i कैप होगा क्या, प्लस 10 × 2 j कैप प्लस 10 × -4 i कैप होगा ना, अब प्लस में 5 j कैप, अब बाय टोटल मास कितना 10 प्लस। क्या सही लिखें? सबको समझ में आया कि सिर्फ हम ही को समझ में आया? अरे बोलो ना जी, अंशु अंशु, अरे भगवान माफ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलता है तुम अंशु अंशु, अरे अंश है कि उड़ गया रे? कहां पे? अरे तुम पहले ना बोलती, बीच में हमको बोलती है। 20 हो गया ना माइनस में, देखो हम सब सॉल्व कर दिए, इसमें बोलते तुम लोग बोल लिया करो बीच में। अब बाकी सब कौन चाहिए रे? मूर्ति देखो कितना गलती कर दी है। और कोई गलती है? तो प्लस में 30 j कैप है ना, प्लस में 3/4 j कैप, यही ना गया m/s² आंसर। क्या सबको समझ में आया यहां तक? क्या सबको ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अरे खुशी कहाँ है रे क्लास में? इसलिए खुशी नहीं है, दोनों का दोनों खुशी कहाँ है नंदिनी? खुशी कहाँ है रे? थोड़ा डरना चाहिए, खुशी उसी रहता है, बना बार रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका वजन है एम वन, और उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कि डेल्टा आर वन से हुआ है, और एम टू मास है उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा आर टू वेक्टर से हुआ है, ठीक है। ये डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले सोच के देखो, एक सेंटर ऑफ मास भी होगा, है ना? क्या सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस कर चुका होगा यहां से यहां?
इसको हम डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास कह दे, है क्या? क्या हम इसको सीधा सीधी हम लिख देंगे एम वन आर वन वेक्टर की डेल्टा आर वन वेक्टर प्लस में एम टू डेल्टा आर टू वेक्टर बाय टोटल मास एम वन प्लस में एम टू, क्या ये बात लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं लिख सकते, है ना, एकदम आसानी से ये बात लिख सकते हैं। और अगर हम ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बैठा दिमाग में, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं। मान लो कि 440 किलोग्राम का एक बॉडी है यहाँ पर रखा हुआ है, ये 1 मीटर से इधर की तरफ खसक जाता है, ठीक है, और यहाँ पर 50 किलो का एक बॉडी है जो कि इधर 2 मीटर से खसक जाता है, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ना, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बन गया, क्या बन गया, नहीं बना, डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा 40 × 1, और ये भी आगे बढ़ा है ना, प्लस में 50 × 2 बाय टोटल मास 90, कितना हो गया 40 प्लस में 100 बाय 90, सही लिखे है ना, 100 बाय 90 यानी कि 10 बाय 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये समझ में आया बात कि नहीं आया? ठीक, तुमको अभी दिखा 14 बाय 9 होगा, अब ठीक है, अब ठीक है ना, अरे मतलब समझ गए ना, ये पूरा कहानी तुम लोग को समझ में आ गया? अरे वरुण जी, अरे पूरा कहानी तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक, क्वेश्चन बना जल्दी से। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, v1 वेलोसिटी देखो 2i कैप लिखा हुआ है, एंड सेकेंड मास हैज वेलोसिटी 2j कैप, ये है ना, है ना, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी 2i कैप है, कितना है 2i कैप है, ठीक है, जिसका है ना वजन वगैरह नहीं दिया है, इक्वल मास दिया हुआ है m दे दिया मान लो, है ना, और दूसरे का भी वजन m है, इक्वल मास है, इसका दिया हुआ है 2j कैप दिया है ना। फर्स्ट पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन इतना, इसके पास एक्सेलरेशन है a1 वेक्टर, देखो 3i कैप प्लस में 3j कैप यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन भी है 3i कैप 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ, क्या सही लिखें क्या, है ना, इसी पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन है, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ है, क्या इतना बैठ गया तुम लोग को दिमाग में, कह रहा है इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका a2 0 है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल मूव्स इन अ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है, तो बता सकते हो, बता दो इसे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता दो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता दो, क्या बना लोगे? अरे बोलो ना जी, क्या ये बना लोगे? बन गया ना, गुड, सबसे बना, हाँ हाँ अरे सबसे बना कि नहीं बना, हेलो हेलो सबसे बना, किसी से नहीं बना रे, सोनल कितना आया, कितना जाएगा, एम से एम कट गया, क्या मिला आई प्लस में जे, सही लिखे क्या, अरे है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा देखो, तो
एम इंटू कितना है, थ्री आई कैप प्लस में थ्री जे कैप, और दूसरे का तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, बाय टोटल मास कितना 2m, इसका भी क्या मिल रहा है देखो तो, 3 बाय 2 आई कैप प्लस में 3 बाय 2 जे कैप। इसका मतलब ये है कि सोच के देखो, एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है बताओ तो, 48 डिग्री पर है क्या? अरे है ना, अरे 45 डिग्री पर है ना, आई प्लस में आई 1 1, यानी कि रूट 2 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार है क्या शुरुआत में बॉडी का, सेंटर ऑफ मास का? अरे ये वेलोसिटी रूट 2 मीटर पर सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ? हल हाँ, और ये कितना हो गया, एक्सेशन भी 45 डिग्री पर ही हुआ है ना, एक्सेशन भी इधर ही हुआ ना, 3 बाय 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, वो भी तो 45 डिग्री पर हुआ, यानी कि जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलेशन भी है। तो चुपचाप से सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। सबको समझ में आया ना, जिधर की तरफ वेलोसिटी उधर की तरफ एक्सेलेशन भी है, तो कोई टेंशन है ही नहीं है ना। समझ में आया सबको? समझ में आया रे कि फिर से बता दें। हेलो ठीक, अब देखो यहां से सुनना बात को, छोटा सा चीज है। अगर मान लो कैसा कंडीशन दिया है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, देन हम लिख सकते हैं क्या कि M1 R1 वेक्टर प्लस में, सॉरी 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 है ना, M1 क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का बात कर रहे हैं ना, डेल्टा R1 प्लस में M2 डेल्टा R2 का वैल्यू तब जीरो हो जाएगा। क्या इतना तुम लोग को दिखा? अरे पढ़े हो ना कि डेल्टा R सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या है, ये है ना। अगर हम ये कहां हम लिख दें यहां से कि डेल्टा R सेंटर ऑफ मास ही जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि M1 डेल्टा R सेंटर है ना R1 प्लस में M2 डेल्टा R2 जीरो होना पड़ेगा। क्या ये तुम लोग को दिख गया? अगर मान लो ऐसा कंडीशन हम बोल देंगे सेंटर ऑफ मास हिल ही नहीं रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा है उसके लिए ये कंडीशन होगा कि M1 डेल्टा R1 प्लस में M2 डेल्टा R2 को जीरो होना पड़ेगा। अरे बोल सकते हो ये बात है ना, इसका मतलब ये भी हो गया कि M1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा R2 लेकिन निगेटिव में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ये देखो तो एम इंटू डेल्टा आर क्या हो गया कि मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स दैट पार्टिकल इज इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर पार्टिकल, इन हुआ, दोनों के प्रोडक्ट हमारे हर समय सेम रहेंगे। याद रखना यहां से आगे जो टॉपिक है सवाल में, बस यही एक कंडीशन पर हम लोग सवाल पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी, ध्यान से देखना, ये बॉडी मान लो कि ये 4 kg का है, कितना का है 4 kg का, और ये मान लो कि 6 kg का है, और ये मान लो कि 8 kg का, ऐसे करके क्लियर है तुम लोग को, दिख रहा है? हेलो दिख रहा है ना। और ये एंगल मान लो कि 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है ना, ऐसे करके हम दे दिए हैं, ठीक है। अभी देखो अगर हम दोनों को इनिशियली रिलीज करें यहां से क्या होने वाला है, देखा देखा क्या क्या दोनों एक्सेलरेट करें या क्या? अरे बोलन रे, दोनों एक्सेलरेट करें या क्या? हाँ, तो हमको निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस सिचुएशन में क्वेश्चन क्या था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन दे रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब ये बॉडी यहां था तो क्या हम ये कह सकते हैं इसके पास दो, एक तो एम है ना, जी इधर की तरफ है क्या डाउनवर्ड, और इसमें भी इफेक्टिव जी ही लग रहा है एक्सेशन के लिए, बताओ तो। अरे ये तो कहोगे ना दोनों में तो जी नीचे ही लग रहा है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास भी जी से ही गिर रहा होगा क्या?
अरे जब दोनों का एक्सलेशन नीचे की तरफ जी ही है तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सलेशन जी ही ना होगा। अरे नहीं आया, नहीं समझ में आया बात। अरे 4 kg वाले का एक्सलेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना है? जी। और 6 kg वाले का भी है कितना? वो भी जी। तो अगर लिखोगे एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या लिखोगे? 4 g जे कैप्स लिखें क्या माइनस में? अरे ऐसे लिखोगे ना, प्लस में 6 g माइनस में जे कैप, अब बाय टोटल मास 10। सही लिखें क्या? अरे सही लिखे ना। तो 6 और 4 10 g माइनस में जे कैप बाय नीचे में 10 हो गया ना, जी जे कैप माइनस में। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो सेंटर ऑफ मास भी जी से ही गिरेगा। सेंटर ऑफ मास भी देखो जी से ही गिर रहा है ना। थोड़ा देर के बाद देखो ये सेंटर ऑफ मास भी यहीं पहुंच गया, ये भी तो इतना ही दूर नीचे गिरा कि नहीं गिरा? जितना दूर ये नीचे गिरा वर्टिकल, उतना ही 6 kg वाला भी नीचे ही गिरा है, तो सेंटर ऑफ मास भी तो उतना ही दूर गिरा ना। देखो तो सेम टाइम में। अरे तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा? ये तो हम दिखा भी रहे हैं, हम तो यहाँ पर नहीं दिखा रहे, ये सब सवाल दिखाने का नहीं होता ना, फील करने के लिए तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पर कैसे हो रहा है। क्लियर है बात? इस वाले बताओ, अगर हम कह दें कि इसका वजन है m, इसका वजन है 2m, दिख रहा है क्या सबको? तो सबसे पहले बताओ दोनों का एक्सेलरेशन कितना है। पहले सबसे पहला काम बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, दोनों का ही एक्सेलरेशन बताओ। इस पर कितना फोर्स लगता है mg, इस पर कितना लगता है 2mg, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? ये वाला तो सर नीचे आएगा सर, ये वाला ऊपर जाएगा, क्या सही बात है क्या? इसको हम a1 और a2 कह देते हैं, तो a का वैल्यू क्या लिखोगे बताओ तो? अरे बोलो जी, 2mg माइनस में mg बाय टोटल मास, याद आया कि तुम लोग सब चार्ट गए, नेट फोर्स बाय टोटल मास याद है कि खा गए तुम लोग रे? mg बाय 3m कितना बचा? g बाय 3 ना। अरे इतना पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे तुमने मास्टर पढ़ाया है ना रे बैलार्ड सर? कौन मास्टर से पढ़ रही है रे जो इसे उन्हें पढ़ाया है? हेलो A1, हमको कायल बदनाम कर रही है रे। A2 नीचे आ रहा है और A1 का वैल्यू भी g/3 लिखा है और इसका भी g/3 लिखा है ना। अरे यही ना है पूरा कहानी, इतना ही ना कहानी है कि सर m वाला ऊपर जा रहा है, a वाला नीचे आ रहा है। सोच के देखो सेंटर ऑफ मास का क्या सीन होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा ऊपर जाएगा, सोच के देखो ये वाला मास ऊपर मान लो, ये नीचे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा ना 2m के पास, पहले यहाँ था मान लो, पहले यहाँ था सेंटर ऑफ मास, यहाँ था m, यहाँ था ये 2m, यहाँ था सेंटर मास, यहाँ था ना। अगर m थोड़ा और ऊपर चला गया, 2m यहाँ चला गया, सेंटर मास यहाँ आया ना। अरे यार तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम इसमें एनिमेशन नहीं बना पाए, तुम लोग का तो बेड बज गया होगा है ना रे। देखो ध्यान से, अभी हम हॉरिजॉन्टली रखे हैं, ये वाला m है और ये 2m है, दिख रहा है क्या सबको? थोड़ा हम इसको और अलग कर लें, तो सही में कसम खा के आज बैठा है रे, ज्वाइन करके रहेगा क्या? सेंटर ऑफ मास यहाँ है क्या? अब सोच के देखो कि ये दोनों एक्सेशन सेम है, अगर एक्सेशन सेम है तो ये जितना ऊंचा उठेगा उतना ही ये नीचे आएगा, क्या इतना दिख रहा है तुम लोग को? तो अगर ये मास यहाँ आ गया और ये मास यहाँ आ गया है, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम इन दोनों को ही मिला दें तो क्या होगा? क्या सही है? देखो दिख रहा है क्या? ये देखो सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया है क्या? तुम लोग को दिख गया सेंटर ऑफ मास नीचे आया है? हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पर नीचे आ गया क्या? इतना
लोग को दिखा कि नहीं दिखा? जल्दी से। अरे एम मास यहाँ गया, ये टू एम मास यहाँ, सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया ना। ये मेरा ये सवाल है कि सेंटर ऑफ मास कितना एक्सेलरेशन नीचे गिर गया है ना, तो ये क्या होता है? हमें हमें तो फॉर्मूला पता नहीं है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एम वन ए वन अब प्लस में, हाँ ओहो हो। अब हम क्या करें, फिर से बनाते हैं। सुनो ध्यान से, ये वाला एम मास मान लो कि दोनों शुरुआत में एक जगह पर था, ये भी एम था और ये टू एम है, और सेंटर ऑफ मास क्योंकि टू एम के तरफ होगा है ना, वजन ज्यादा है ना, ये सेंटर ऑफ मास है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। मान लो कि एम इतना ऊंचा उठा ऊपर, जितना ऊंचा उठेगा एम उतना ही टू एम नीचे आएगा, इसमें कोई सवाल? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और अगर ऐसा होता है तो सेंटर ऑफ मास के साथ में क्या होने वाला है? इस दोनों को हम मिला देते हैं ताकि हम दिखाएं। अरे बाबा मिला नहीं रहे हैं। ये देखो ये एम मास अब यहां है ना जी, और टू एम मास तो यहां है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा इसका? यहां होगा ना। अरे अब तो मास मारा यहाँ है ना, ये तो मूव करते यहाँ पहुंच गया, और ये मूव करते हुए यहाँ पहुंच चुका है, तो सेंटर ऑफ मास हम मिला नहीं रहे, बस दिखाने के लिए तुमको बता रहे हैं कि देखो रेफरेंस की तरह से कि एम यहाँ है, टू एम यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ चुका होगा क्या? नहीं आया होगा, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली पहले यहाँ था, अब यहाँ आ चुका है, सेंटर ऑफ मास नीचे घिसका ना, बस यही कह रहे हैं कितना से नीचे खिसका, हाँ बस नीचे कितना खिसका। एम वन कितना है? एम है, एक्सन कितना है? माइनस में जी बाय थ्री है क्या? एम टू है टू एम, वो भी है माइनस में जी बाय थ्री, अब बाय टोटल मास है थ्री एम, सबको दिखा? अरे बोलो बे पापी सब, ठीक है ना। तो क्या मिला? माइनस में जी बाय नाइन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही लिखे क्या? ये हम बना दिए तुम लोग को, क्या अगला तुम लोग बना लोगे? चलिए बोलो। ये 4 किलोग्राम का है और ये भी 4 किलोग्राम का है, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। तुम लोग को पता है इसका एक्सेलरेशन निकाल लेना, बाकी तुम लोग को करना क्या है समझ गए ना? अरे भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोग को। अरे टी करो यहाँ पर भी, टी करो यहाँ पर भी, टी करो यहाँ पर, कितना हो जाएगा? टू टी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना? ए। तो इसका एक्सेलरेशन डबल ए, याद आया? फिर सॉल्व करोगे इक्वेशन लिख लिख करके, इस पे लिखोगे सर 40 न्यूटन का फोर्स लगा, इसमें लगा 40 न्यूटन का फोर्स, लिखोगे ना इक्वेशन कैसे लिखोगे इस पे? ये बॉडी नीचे आ रहा है, तो पहला इक्वेशन 40 - 2t = 40a, और इस पे इक्वेशन कैसे लिखोगे? t माइनस में 40 = 4 × 2a, ऐसे लिखोगे ना जी? अरे बोलो रे, यहां से a आ जाएगा, दोनों के अगर हमको एक्सेलरेशन आ चुके हैं तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालना आसान ही वाली है। कुछ तो बोलो। आप देखो ध्यान से, मेरा सवाल आ गया यहां पर। अगर मान लो ये आदमी जो है 60 किलोग्राम का है, ध्यान से देखना एक एक करके, और ये जो बोट है, ये बोट जो है ये हमारा मान लो कि 80 किलोग्राम का है, कितना का है? 80 केजी का, और नीचे में जो काला काला पट्टी दिख रहा है वो पानी है। क्या तुमको पता है कि एक आदमी जैसे ही पैर आगे बढ़ाता है तो पैर से वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, फिर वो समझ रहे हो बात को? पैर से इसने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, इस बोट ने भी आगे की तरफ फोर्स लगाया, है ना? ये पढ़े हो ना ये सब कुछ 9th वगैरह क्लास में? हाँ। अब मान लो कि ये मेरा फ्रिक्शन लेस है, कैसा? ये फ्रिक्शन लेस है ये, ठीक है। अभी सिचुएशन में क्या होने वाला है कि जैसे ही ये आगे बढ़ाएगा तो ये बोट भी इसको पीछे धक्का मारेगा। अब बोट जो पीछे धक्का मारा उसको बैलेंस करने के लिए पानी धक्का मारा ही नहीं, तो जो इसने पैर से जो पीछे फोर्स लगाया उसके कारण से बोट अपना आगे बढ़ जाएगा, बोट क्या हो जाएगा? इधर बढ़ जाएगा, समझ गए बात को? और ये आदमी आगे बढ़ जाएगा। इतना बात तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा? जमीन पर क्या होता है, जैसे हम पैर से धक्का मारते हैं, जमीन मेरे को धक्का मारता है और हम आगे बढ़ जाते हैं, जमीन तो पीछे नहीं ना हटकती। अरे जमीन के नीचे जो गर्दा होता है उसको जमीन से फ्रिक्शन की वजह से चिपका रह जाता है,
है ना, लेकिन स्लिपरी सरफेस रहे तो हम पैर से धक्का मारते हैं, पैर के चक्कर में जो नीचे का कीचड़ है वो तो पैर से निकल लेता है ना, क्योंकि उसे फ्रिक्शन नहीं उतना सफिशियंट। यहाँ तो पूरा ही खत्म हो गया मामला। जैसे ही एक आदमी पैर से आगे बढ़ाएगा तो बोट पीछे खिसक जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अरे बोलूं रे, हाँ है ना। इससे क्या होगा कि 60 किलोग्राम, मान लो कि इसका जो लेंथ है यहां से तक का 10 मीटर का लेंथ दे रखे, कितना का लेके रखे हैं, 10 मीटर का पूरा बोट है। अच्छा एक बात बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर ये 60 किलोग्राम का आदमी है तो बोट का सेंटर ऑफ मास के बीच में होगा कि नहीं होगा? आदमी का वजन है 60 किलोग्राम, तो क्या कह सकते हो कि सर 60 किलोग्राम का जो पर्सन है, ध्यान से देखना, और ये बोट रहा 80 किलोग्राम का, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले कितना है, 5 मीटर का डिस्टेंस है क्या? क्योंकि बोट का सेंटर जो पूरा वजन होगा 80 किलोग्राम, इसके बीच में सेंटर्ड होगा। इतना बैठा तुम लोग को दिमाग में कि नहीं बैठा कि पूरा बोट का वजन कहाँ लिखोगे, 80 किलोग्राम यहां लिखोगे कि पूरा बीच में लिखोगे? यही लिखेंगे ना जी, बीच में लिखेंगे। तो बता दो उसका सेंटर ऑफ मास पहले बता दो कहाँ है, जल्दी बताओ, कैसे बता दो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, याद है? अरे ऐसे मनाते हो, याद है ना, 60 × 0 + 80 × 5 / दोनों का वजन, याद है कि नहीं है? सब चार्ट गए? अरे बोलो रे, चालीस बाय इतना है ना, तो 20/7 मीटर पर सत्य एक लगभग 3 मीटर है ना। अरे है ना जी, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पर है, क्या तुम लोग को दिख गया? अरे कहने का मतलब समझ गए बात को, कि ये अगर लेंथ 5 मीटर का है तो 3 मीटर के दूरी पर तो कम से कम सेंटर ऑफ मास है ही रही है ना। अरे बोल रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे रे, इतना तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा? हमको लगता है तुम लोग आज नहीं पढ़ाने देगा ये सब चीज, ठीक है, हमको लाग रहा है जैसे। तुम लोग रिप्लाई उप्लाई नहीं करता है जी, बहुत अच्छा नहीं लगता है बात। ध्यान से देखो, ध्यान से इस चीज को, इसको यहां कर लेते हैं फिर समझाते हैं। ध्यान सुनना, अगर हम कह रहे हैं अगर एफ नेट जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, ध्यान सुनना मेरे बात को, एक एक बात को, अगर एफ नेट 0 हो जाए सिस्टम पर है ना, ऑन दी सिस्टम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा क्या, ये वो कह सकते हैं ना, अगर फोर्स नहीं लगा है सिस्टम पर तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अरे अभी यही बताया है कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, फ्रॉम सेकेंड लॉ, एफ बराबर dp/dt होता है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, m1 v1 वेक्टर + m2 v2 वेक्टर डॉट 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 बाय टोटल मास, m1 + m, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो रे, हाँ। और अगर हम ये कह दे, अगर हम ये कह दें कि एफ नेट भी 0 है सिस्टम पर, लगने वाला जितना भी फोर्स है वो भी 0 है, और तो और बॉडी का जो, सुनना यहां ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बता दो तो, कि m1 delta r1 + m2 delta r2 भी हमारा 0 हो जाएगा, है ना जी? अरे अगर सिस्टम पर लगने वाला फोर्स भी 0 है, और मान लो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है ना, एंड लिख लेते हैं यहां से, कि सेंटर ऑफ मास भी नहीं चल रहा है,
हम ये दोनों कंडीशन मान लिए हैं कि सिस्टम पर लगने वाला फोर्स भी जीरो है और सेंटर ऑफ मास भी नहीं चल रहा है। ये ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि अगर हम बोल दें कि सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में सिस्टम को कोई फोर्स कोई वेलोसिटी नहीं मिला है, ये बात समझ रहे हो? सिस्टम में जितने पार्टिकल है सबके सब रेस्ट से ही चले और सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा होगा शुरुआत में और फोर्स भी नहीं लगा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तो जीरो ही होगा। अरे नहीं समझ में आ बात? अगर एक सिस्टम में उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, अरे बात समझ में, इस ये अपने पे फोर्स वोर्स लगा रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन पूरा नेट जो देखा जाए ओवरऑल देखो, इस पूरे सिस्टम पर किसी पार्टिकल को ऊपर से कहीं से फोर्स वेलोसिटी नहीं दिए थे। क्या नहीं दिए थे? वेलोसिटी नहीं दिए थे। तो बाद में तुम बोलोगे, तुम तो यही कह रहे हो सर अगर फोर्स नहीं देंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है ना बॉडी। ध्यान सुनो फिर से मेरी बात को, कान में आवाज नहीं जा रहा तो फिर सुनो, अगर सिस्टम पर फोर्स नहीं दोगे तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये तो हम पढ़ाए ना। अगर बॉडी पर फोर्स नहीं लगाओगे, चीख चीख के क्लास में समझाए तुम लोग को कि बॉडी तब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, लेकिन हम एक कंडीशन तुमसे इम्पोज कर रहे हैं। मान लेते हैं शुरुआत में हमको रफ्तार ही नहीं दी है, तो बाद में कहां से मिलेगा उसको रफ्तार? क्योंकि रफ्तार चेंज करने वाला तो फोर्स होता है, तो फोर्स तो लगा ही नहीं है तुम। बात समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आया? फिर सुनो, जब हम पहले बोला करते थे कि अगर फोर्स नहीं दोगे तो बॉडी के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या तो रुक जाए, नहीं चलेगा। जो रुक जाने वाला कंडीशन है वो तुम लोग सोचते थे, हम बताए थे कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा उसके पास कहीं से पहले से कोई दिया हुआ स्पीड, तब ना उसी स्पीड चलते रहेगा, बिना स्पीड दिए चलते रहेगा। ये लॉजिक समझ में आया सबको? हेलो, अब तक तो पूरी अच्छे से बात समझ में आ चुकी है ये पूरी कहानी? हाँ बोलो, आपको दिक्कत नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम पे फोर्स भी नहीं लगा, देखो यहाँ पर जितना जोर से इस आदमी ने फोर्स लगाया उतने जोर से बोट ने फोर्स लगाया, इस कंडीशन में फोर्स नेट क्या है? जीरो। और यू नेट क्या है? ये भी तो जीरो है शुरुआत में, इनिशियली यू के बात कर रहे हैं, है ना? ये बात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर? इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होने वाला है ये भी जीरो होने वाला है। ठीक है यहाँ तक? ये लॉजिक तुम लोग को आया कि नहीं आया? ये आ गया? अरे बोल रे, इसका मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ बोट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। ये बात दिखा तुम लोग को, लेकिन निगेटिव में होगा। हम ये बताए M1 डेल्टा 1 डेल्टा R1 प्लस इज इक्वल टू M2 डेल्टा R2, ये बताए हैं क्या? पूरे अच्छे से ये चीज दिख गया? अगर तुम लोग को ये चीज अच्छे से दिख रहा है तो तुम लोग को अब ये भी दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? इस पूरे कहानी में क्या हुआ कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं हिला है, याद रखना। जब भी इस पूरे पिक्चर में बात होगी सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं हिलाएंगे, ठीक है बात? सेंटर ऑफ मास बोलन रे नहीं हिलाएंगे। क्लियर है यहां तक? सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। अगर मान लो कि ये आदमी था यहां पर, सुनना ध्यान से, ये आदमी अब देखो कहां चला गया। ये आदमी मान लो कि 60 कितना था, 60 किलो था ना, 60 किलो का, ठीक है? ये था यहां पर, हम 60 केजी यहां पर लिख रहे हैं, तुम लोग देखना ध्यान से, 80 केजी हम यहां पर रख रहे हैं। कितना पर रखे हैं? यहां पर 80 केजी है और ये 60 किलोग्राम का है, ठीक है? बात समझ रहा? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन
मैन रीच अपोजिट पॉइंट ऑफ बोट, बोट का दूसरा पॉइंट यहां पहुंच जाए। ये लेंथ है कितना बताओ तो, 5 मीटर का लेंथ है और ये हमने 10 मीटर माना था क्या, बोलो ना, हाँ है ना। अब देखो बोट कितना दूर गया, देखो तो क्या बोट का ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक दूर पहुंच गया क्या, इतना हमको ये निकालने बोला है क्या, बोट कितना इधर हिला, क्या तुम लोग को दिखा क्या सवाल, अरे बोलो ना जी हाँ, तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा। पहले बोट कहाँ था, यहाँ था ना, बोट का ये जो मुंह था यहाँ था, जैसे वो आदमी दूसरे छोर पहुंचा तो बोट यहाँ पहुंच गया ना, अरे बोलो ना जी हाँ, है ना, बोट हमारा एक्स डिस्टेंस पीछे खसक गया। अच्छा बताओ अगर ये बोट एक्स डिस्टेंस पीछे खस गया तो आदमी कितना दूर गया, क्या आदमी 10 मीटर गया है, देखो ध्यान से, ए ऑब्जर्व करो ध्यान से, आदमी देखो कहां, आदमी कितना दूर गया, 10 मीटर गया, 10 मीटर अगर आदमी यहां से तय करता तो वो यहां ना पहुंच जाता रे, आदमी तो पीछे रह गया ना, आदमी तो पीछे ही रह गया ना, उसको पहले ही सोर मिल गया ना, ये दूसरा किनारा तो यही मिल गया ना उसको यहाँ पर, सॉरी अपोजिट पॉइंट। ध्यान से देखो आदमी यहां था पहले, आदमी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो आदमी यहां पहुंच गया क्या, दूसरा छोर मिला कि नहीं मिला, आदमी कितना दूर चला है जल्दी बताओ, हाँ चलिए देखो अंशु, क्या तुम लोग को दिखा 10 माइनस x, अरे भगवान से डरो रे तुम लोग, रे तुम लोग पापी है क्या रे, अरे ये पॉइंट अगर यहां से तक x आगे बढ़ा तो ये भी पॉइंट तो इधर x आगे बढ़ा, अरे ये भी छोर है हमारा, x ही तो आगे बढ़ा होगा, ये लेंथ अगर पूरा यहां से तक 10 है तो ये लेंथ कितना रहा, 10 माइनस मैक्सिमम रहा नंदिनी। अच्छा ऐसे सोचे क्या कि अगर मान लो कि आदमी आए ना, ऐसे ऐसे देखो इस सीन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखो, देखो ध्यान से, अगर आदमी यहां से यहां खसका जैसे बढ़ रहा है, बोट वो उसके पास आ गया, यानी कि आदमी को पहुंचना तो था 10 मीटर लेकिन बोट उसके पास थोड़ा और आ गया, बोले तुम काहे मेहनत कर रहे हो, हम तुम्हें बस ऐसे पहुंच रहे हैं, बात समझ रहे हो, बात तो ऐसे कहानी हो गया, नहीं हो गया, नहीं लग रहा है ना बोट, अरे जैसे ही आदमी आगे बढ़ा तो बोट भी पीछे ही आ गया, अब बोट खुद एक्स मीटर पीछे आ गया तो आदमी को तो कम से कम एक्स मीटर कम में ना चलना पड़ा होगा, सबको समझ में आया, बस हो गया खत्म, इतना दिखा तुम लोग का मामला खत्म, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल में और क्लियर होगा, सवाल बहुत सारा सवाल है, सारे सवाल में बस इतना ही कहानी तुम लोग को ध्यान रखना है। तो देखो क्या करेंगे, आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना 60 × 10 − x लिखोगे क्या, इज इक्वल टू बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना 80 × x, कितना हो गया 600 − 60x इक्वल टू 80x। अब बोलो उसे यहाँ पहले माइनस लिए थे अभी माइनस का लिए, देखो क्योंकि एक्स मेरा निगेटिव में है और बोट पहले से निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा ले ले तुम लोग का तो बैड हो जाएगा, नहीं देखो ध्यान से यहाँ माइनस ले लोगे और एक्स भी तो निगेटिव हो गया, अरे एक्स बोट पीछे खसका है ना, आदमी आगे बढ़ा है अभी, ठीक है ना यहाँ तक, तो 600 / 140 = x। ऐसे पापी इंसान 30/7 है ना, इतना मीटर आंसर, क्या बहुत भारी था अंशु बाबू, अरे बोलो रे कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया अगली की तरफ बढ़ते, इस कंडीशन में देखो, हाँ इस बारे में देखो क्या हुआ, इस आदमी ने क्या करा, बोट के बीच तक पहुंचा है ना, आदमी का वजन कितना है बताओ तो,
60 kg है ना, ये 60 kg और ये 80 kg। सोनल तुम्हारा क्या हुआ रे, बेड काहे बच गया रे? मैन रीचेज मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ बोट। बताओ ये लेंथ कितना है, 5 मीटर है क्या? आदमी देखो कितना चला, सॉरी बोट कितना पीछे खसका, एक्स आदमी कितना खसका होगा, जल्दी से देखो। आदमी यहां है अभी, आदमी पहुंचा कहां, यहां। आदमी कितना खसका जल्दी बताओ, जल्दी देखो। आदमी एक्स खसका, देखो जल्दी से, ध्यान से देखो, ध्यान से। आदमी को चलना कितना पड़ा है ये बताओ, आदमी को चलना कितना पड़ा है? आदमी यहां था ना जी, अरे आदमी यहां था ना, ध्यान से देखो सब कोई। अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे ये देखो, ये लेंथ बाबा, ये सेंटर ऑफ मास है इसका 80 किलोग्राम वाले का, ये आदमी का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। अब बोट अपना अगर एक्स से आगे ये पीछे खा सकता है, तो आदमी को तो भाई यहां से तो 5 ही मीटर जाना था ना, आदमी को तो 5 ही मीटर ना जाना था, लेकिन वो एक्स तो पहले ही खसक गया है पीछे, तो आदमी को तो कितना चलना पड़ा, 5 माइनस में एक्स ही ना। अरे नहीं समझ में आया तुम लोग को, चलो ठीक अब आगे बढ़ते हैं। तो बता दो ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सॉरी पहले बताओ बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स का, तो मैन कितना घसका, 5 माइनस में एक्स है ना, तो 60 इंटू कितना हो गया, 5 माइनस में एक्स इक्वल टू 80 इंटू एक्स। तुम लोग को दिख गया क्या सवाल? अगले वाले में देखते हैं, अगला वाला में देखते हैं और अच्छे से तुमको समझ में आएगा। मान लो कि ये 60 किलोग्राम का पर्सन है, ये मान लो कि 50 किलोग्राम का पर्सन है, और ये बोट तुमको पता है कि 80 किलोग्राम का है, ठीक है? देखो क्या हो रहा है इसमें। अच्छा दोनों मीट कर रहा है ना, दे मीट बोथ फ्रेंड्स है ना, मीट टुगेदर एट मिडिल पॉइंट, ठीक। चलो सुनो, यहां से देखना ध्यान से, ये कितना है, 10 मीटर है। क्या तुम लोग को अब समझ में आ रहा है? तुम लोग को दिख गया क्या हो रहा होगा, एक बार सोच के देखो। अगर मान लो बस इसे स्टार्ट करो यहां से, कि लेट कर लेते हैं कि बोट जो है मूव्ड एक्स, कितना से खसका ये देखो, बोट कितना खसका, बस इतना ही कि देखो कि बोट कितना खसका एक्स से। अगर एक्स से खसका है तो इस आदमी को देखो 60 kg वाला का कहां कितना खसका, क्योंकि दोनों मीट कर रहा है बीच में ही ना जी, है ना, दोनों तो मीट कर रहा है यहां पर, है ना, इतना देखो ध्यान से, मीट करना है इसको यहां पर, यहां पर मीट करना है, लेकिन ये जो मीटिंग पॉइंट है, सॉरी ये जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट खुद ही खसक गया है ना। हाँ तो ये मीटिंग पॉइंट खुद एक्स से खसक गया है, तो 60 kg वाला कितना खसका जल्दी बताओ, क्योंकि इसको, हाँ ये लेंथ तो भाई 5 था, ये लेंथ हमको पता है, पता है ना 5 है, ये 5 माइनस में एक्स ना डिस्टेंस कवर करा, और 50 किलोग्राम वाला बता दो जल्दी से। हाँ, मजा आ गया, क्यों? क्योंकि उसको एक्स ज्यादा चलना पड़ा होगा, है ना, क्योंकि देखो 50 किलो वाला तो है यहां पर एक्चुअली में, ये तो 5 मीटर है पता, तो साफ दिख रहा है कि 5 प्लस में एक्स चल गया और ये 5 माइनस में एक्स चला। क्या समझ में आया तुम लोग को? यानी कि पूरा कहानी अगर हम एनिमेशन नहीं दिखाएं तो भी हम ये कह सकते हैं, जैसे बोट एक्स से पीछे खसकेगा तो 60 kg वाले को सहूलियत हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और 50 वाले को ज्यादा चलना पड़ेगा उतना ही जितना सहूलियत हुआ उसको। क्या इतना बात तुम लोग को अब बैठ गया?
हाँ बोलो। अरे तुम हम अब ये मत, हाँ ये मत बोलना कि तुम सर क्या हर बार बोर्ड को इधर ही काय घसका रहे, उधर तो घसर था। अच्छा इन्हें पूछ रहा था बोलता हाँ। अरे हम तो कहे ना कि नेट फोर्स जीरो है भाई, दोनों चलना स्टार्ट करा है तो पहले ही बंदे से नेट फोर्स जीरो, दूसरा का भी नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो ही है ना। तो सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स, हाँ सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस चक्कर में अगर आदमी मूवमेंट होगा, अगर पहला आदमी थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेगा, दूसरा पूरा बोर्ड डिस्प्लेस करेगा ताकि सेंटर ऑफ मास नहीं हिले। ये पूरा नौटंकी इसीलिए हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास नहीं हिलना चाहिए, ठीक है ना? ये लॉजिक तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखो कैसे लगाएंगे, अब देखो कैसे कहानी है कि 60 kg वाला आगे, जो आगे देखो जो आगे गया तो 60 kg वाला 5 - max से गया, और जो पीछे गया, पीछे कौन कौन गया, बोट गया, तो 80 × x, और कौन गया 50 × 5 + max, है ना? ये हुआ आगे और ये गया पीछे वाला, समझ गया बात को? क्या x निकल जाएगा? अरे बोल रहे हाँ, जो आगे गया और जो पीछे गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बता। अरे काय निकालेंगे, निकाल लेना। अब आगे देखो, ओहो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन है क्या? क्या तुम बता सकते हो इसमें क्या क्या हुआ होगा? 60 kg वाला, ये 50 kg वाला और ये 80 kg वाला, जल्दी बताओ। अब बिना एनिमेशन का सोचो क्या हो रहा होगा। अगर बोट कितना चला एक्स, 60 kg वाला कितना चला होगा, क्योंकि इसको चलना है 10, चलना है 10, 10 में से एक्स कम चल रहा होगा, है ना सोनल नंदिनी? और इसको ज्यादा चलना होगा 50 वाले को, 10 + max। क्या देखो तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है बात अच्छे से? क्योंकि अगर ये बोट, अगर बोट अपना देखो यहां से तक एक्स चला, सेंटर ऑफ मास का यहां पहुंच चुका है, जो पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, है ना? बात समझ रहे हो? तब आदमी देखो, आदमी जो 60 kg का पर्सन था, यहां 60 kg के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पर्सन है यहाँ पर 50 kg का। अब देखो, सॉरी अब देखो 60 kg वाला कहाँ पहुंच गया, 60 kg वाला यहाँ पहुंच गया, है ना? ये कितना चला, 10 - max। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट इधर से इधर की तरफ एक्स खसक चुका है। और इस आदमी को देखो कितना चलना पड़ा, पूरा का पूरा 10 + x चलना पड़ा। क्या दिख रहा है सबको, समझ में आया बात? अब तो हम बिना बिना टेंशन लिए बना लेंगे, तो क्या कहेंगे, जो आगे गया बराबर जो पीछे गया, है ना? आगे बराबर पीछे, आगे कौन गया 60 × 10 - max, पीछे कौन गया बोट 80x प्लस में 50 × 10 + max। कोई सवाल बन जाएगा? अब देखो इसमें अगर मान लो निगेटिव डेटा आया, इसका मतलब है कि हम जैसा दिखा रहे हैं तुमको बोट कि पीछे जा रहा है, वैसा नहीं होगा, बोट उधर जा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना? अरे बात समझ गए हम, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि सर डेटा निगेटिव आ गई, तो सर मान लो कि ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे तुम लोग को आ गया पूरा कहानी क्या, है ना? अरे समझ में आया ना? ठीक, अभी मान लो इसका, है ना, थोड़ा ध्यान देखना ध्यान से, ये जो है ना इसका रेडियस हम मान लेते स्मॉल आ रहा है, कितना है? इसका रेडियस हम मान लेते स्मॉल आ रहा है, ध्यान से देखना हम क्या क्या बोल रहे हैं। इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका वजन है स्मॉल एम, इसका वजन है कैपिटल एम। अभी देखो ध्यान से क्या क्या हो रहा होगा कि जैसे ये चल रहा होगा, है ना, ऐसे तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, है ना? अरे किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा क्या, है क्या? और एक mg लग रहा होगा पीछे, यहाँ तक लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, जल्दी बताओ। हम इसी से बना देते हैं, mg इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, है ना? इस n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे हो जाएंगे क्या? अरे हो ना,
एक हो जाएगा ना, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, किसी भी इंस्टेंट पर फ्रिक्शन भी है इसके पास, है ना। बिना फ्रिक्शन का कोई उपाय नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर मान लो कि इस बॉडी पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ रहे हो बात को? तो जो इधर वाला ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट है और इधर नॉर्मल कंपोनेंट है ना, जो भी नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में होगा, ये दोनों एक दूसरे को मार देगा। जो बचा हुआ फोर्स रहेगा उस चक्कर में बॉडी नीचे आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ नेट लग रहा है एक्स डायरेक्शन में वो जीरो है, क्योंकि जितना एक्स आगे लगा उतना ही पीछे लगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सरफेस जो ग्राउंड है ये हमारा स्मूथ है। कैसा ये स्मूथ है, यहां से कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाला सारा ही फोर्स जीरो है। ध्यान सुनना हम क्या क्या बोल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन लगने वाला सारा ही फोर्स जीरो है, इसलिए इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स सेंटर ऑफ मास को हम कह देंगे जीरो है, ना कि क्या लिखा है इसे, ना कि वाई सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इतना बैठा दिमाग में? अरे फिर से बैठा दे फोटो कि हमको, तुम लोगों को समझ में आया? तुम आ गया ना? तो सीधा सीधी बात ये, क्यों नहीं वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, क्योंकि भाई वाई में फोर्सेस लग रहे हैं, वाई में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। वाई में अगर हम दिखा दें इसमें, तो हम इसी में दिखाते हैं वाई में, तो इस पर भी लग रहा होगा ना फोर्स कैपिटल एम जी, है ना। यहां से भी एक नॉर्मल लग रहा होगा पीछे, है ना। तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं वाई में, तो वाई में नेट फोर्स जीरो नहीं है, एक्स में नेट फोर्स जीरो। इतना बैठा दिमाग में? इस चक्कर में क्या होगा, इस पार्टिकल को जैसे रिलीज करेंगे तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा ये पीछे खसक जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि अगर कैपिटल एम मास, अगर मान लो कि कैपिटल एम मास हमारा, सुनना ध्यान से, ये स्मॉल एम मास था और ये कैपिटल एम मास है, दिख रहा है ना। अरे बोलो ना, यहां तक दिख रहा है ना सबको? अरे कुछ तो बोलो। देखो ध्यान से, ये जैसे ही आगे बढ़ा ये कितना पीछे खसका, देखो ध्यान से, ये यहां था ना, देखो तो कितना पीछे खसका, इतना एक्स आगे खसका क्या? अरे बोलो ना, हाँ। तो ये कितना आगे गया, ये कितना आगे गया ताकि बीच में मीट करे, बता जल्दी से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां था, ये जो ब्लॉक था, ध्यान से दो, पहले ब्लॉक यहां था क्या? ये तो कहां बना दिए, रुक जाओ देखना ध्यान से, हम इसको बैठा दे रहे हैं, सुनना। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा ध्यान समझ जाओगे तो एक अच्छा सवाल हम आगे बताएंगे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है क्या, जो कि r डिस्टेंस आगे है क्या? अरे बोलो ना, हाँ। ये वाला पॉइंट जो है कितना आगे बढ़ा, ये वाला, क्योंकि ये पीछे खसक चुका है x से, और ये लेंथ तुमको पता है कि ये लेंथ कितना है, बताओ तो, r माइनस में r डिस्टेंस है क्या? अरे अगर पूरा ही r है, अरे है ना रे पूरा r, ये रेडियस r है ना। अरे तुम लोग कुछ जवाब ही नहीं देता है, ये इस कैपिटल r में से स्मॉल r घटे करके ही नहीं इतना लेंथ आएगा, हाँ तो बता दो ये लेंथ कितना, हाँ तो स्मॉल r मतलब स्मॉल r है ना, हम थोड़े ना पॉइंट मास लिए हैं, तो दिखाएं, ठीक है वो तो है। ये कितना कितना खसका, ये कितना खसका, कैपिटल आर माइनस में आर माइनस में एक्स, सही है क्या, है ना। तो हम ये कह दें क्या कि जो स्मॉल एम मास है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर माइनस में एक्स, और कैपिटल एम मास का सिर्फ एक्स, क्या कह देंगे, जो आगे गया बराबर जो पीछे, ताकि कौन गया, स्मॉल एम आर माइनस में आर एक्स, है ना जगह बराबर कैपिटल एम इन टू एक्स, ये ना जगह एम आर माइनस में आर इक्वल टू एम एक्स प्लस में एम एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एम आर माइनस में आर बाय स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम, आंसर। कोई सवाल है तो बताओ, अरे बोलो रे, हाँ
अगर हम ये कह दें कि स्मॉल आर जीरो है, क्या नहीं समझ में आया? फिर से बता दें, फिर से। ओके, तो स्मॉल एम आर बाय कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम। अगर मान लो कि अगर ऐसा किसका रेडियस नहीं दिया रहता तो हमारा आंसर ये होता, अगर दिया हुआ है तो हम ऐसा आंसर लिखेंगे, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात, आगे देखते हैं। तुम लोग को समझ में नहीं ना पीछे वाला सवाल? मान लो स्मॉल एम है और ये रेडियस आर है, याद है, ठीक है ना। अब फिर से देखना, अब हल्ला नहीं करना, फिर से देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन में ये कैपिटल एम है ना, इतना दिख रहा है ना जी यार, ये वाला मास्क। अब देखना क्या हुआ, ये दूसरे पॉइंट पर मीट कर गया क्या ना। हाँ, तो ये कितना दूर आगे खसका पहले ये बताओ, एक्स दिशा आगे खसका। आप देखो ये कितना दूर चला, ये वाला पॉइंट जो है कितना दूर चला पहले, ये लेंथ है कितना ये बता दो खाली। ये है आर माइनस में आर डिस्टेंस, इसमें तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। क्या हम ये कह दें कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है बेसिकली 2r माइनस में r डिस्टेंस है, यहां से तक का लेंथ इतना तो दिख रहा है। अब बताओ कितना चलना होगा इस स्मॉल m मास को, खाली इतना बताओ दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। x कम चलना पड़ा होगा ना, क्योंकि पता चला पूरा का पूरा स्लैब ने x पीछे खसक गया है। तो जो चलना था इस पॉइंट को यहां से तक पहुंचने के लिए 2r माइनस में r, उसमें तो x कम ही चलना पड़ा होगा। अभी तुम लोग को आया तो कैपिटल एम मास तो एक्स ही ना गया, कैपिटल एम मास एक्स पीछे खसका है ना, और स्मॉल एम मास आगे खसका है इतना ही दूर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कैपिटल एम मास पीछे खसका ना, देखो कैपिटल एम मास हाँ यहां था ना भाई, ये पीछे खसका, बड़ा वजन पीछे खसका, स्मॉल एम मास आगे गया। तो कितना दूर आगे गया, तो 2r माइनस में ये है ना, ये लेंथ कितना गया देखो, तो साफ साफ दिख रहा होगा 2r माइनस में r माइनस में x लेंथ ना आगे बढ़ा स्मॉल एम मास। सोनल तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, नंदिनी तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, काहे न रे, तुम्हारा क्या दिक्कत हुआ? आ गया ना x, तो आ जाएगा ना भाई। अब एक्स क्या हो जाएगा, एम इंटू 2r माइनस में r बाय स्मॉल m प्लस में कैपिटल m। आंसर कुछ है इसमें दम है ना, है इसमें कोई दम? अरे बोल रहे अपने ना है दम, क्यों नहीं है दम? क्योंकि हमारी जरूरतें हैं कम, है ना। चलो ठीक, आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्मॉल एम मास है और ये हमारा मान लो कि आर रेडियस दिया है। अच्छा, इसी इसी सवाल में अगर ऐसा मान लो कि लेट करके दे देता कि स्मॉल आर जीरो है, ये छोटा सा मास कर देता, तो हमारा तब एक्स का वैल्यू कितना होता, एम इंटू सिर्फ 2r बाय स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम। आई थिंक जो बुक में आंसर है वो यही वाला है, हम स्पेशली इसको बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आर ले करके बनाए हैं, बुक वाला यही आंसर रहता है, ठीक है ना। भगवान माफ नहीं करेगा तुमको। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखो, देखो ध्यान से इसमें। हाँ, सर अगर एक और एक और एक और होता। हाँ, अरे रे रे रे, एक 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 और गड़बड़ हो गया, एक और गड़बड़ हुआ, एक और गड़बड़ हुआ है, सॉरी, एक और गड़बड़ हुआ है। देखो ध्यान से कि ये सेंटर ऑफ मास तो भाई एक और आर कम ही ना चला। देखो ध्यान से, है नहीं समझ में बात तुम लोग को, एक और आर कम ना चला, एक और आर कम चला ना, एक और आर कम चला ना, हाँ 2r, क्योंकि सेंटर ऑफ मास देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंचा ना, सेंटर ऑफ मास तो यहीं पहुंचा, जो कि r डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस r है ना, तो 2r माइनस में 2r हो जाएगा ना, माइनस में 2r होगा, है ना, तो माइनस में नहीं, उसमें 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 ठीक है, उसमें वो बीच में पहुंचा है, वो एग्जैक्टली बीच में पहुंचा है, वो ठीक है,
ये वाला ठीक है, मेरा एक्सपेरिमेंट तुम गड़बड़ा मत दो बार बार, ठीक है यहाँ तक है। देखो भाई है, देखो इसमें इसमें देखो कहाँ, इसका सेंटर यहीं एग्जैक्ट बीच में है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। हम थोड़ा सोचे खुरपाती करते हैं, हम ही फंस गए अब, ठीक है ना। इसीलिए इंसान कभी भी खुरपाती नहीं करना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस वाले में। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ तो भाई ये पूरा सिस्टम तब तुम बोलते कि इधर खसका, है ना, एक्स उधर हो जाता, सारा सवाल वैसे ही रह जाता। तब भी तुम तब भी बोलते ना कि भाई एम मेरा, हम कहाँ, हम प्लस माइनस कहाँ ले रहे हैं, कहीं ले रहे हैं प्लस माइनस, हम तो सीधा बोले आगे बराबर पीछे। तो तुम्हारा तब फिर कैपिटल एम मास तब आगे जाता, तो स्मॉल एम मास हमारा पीछे भागता, बस इसलिए हम टेंशन ही नहीं ले रहे निगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है ना। अब देखो इस वाले में कई सवाल तुमसे बन जाएगा अब, ये सवाल तो खत्म हो गया ना। अरे ये लेंथ कितना है, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर है क्या, और ये सिस्टम कितना आगे खसका, देखो तो, सॉरी है ना, एक्स आगे गया, आती है कितना आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, आर माइनस में, आर माइनस में एक्स एन हो गया। अरे नहीं समझ में आ रहा है बात तुम लोग को, कैपिटल एम वाला मास स्मॉल एम, हाँ कैपिटल आर माइनस एक्स और कैपिटल एम मास एक्स, कुछ है इसमें, ये देखो ये स्मॉल एम मास है और ये कैपिटल एम मास है और ये थीटा दे दिया है, और ये मान लो कि लेंथ हमको एल दे के रखा है, आ रही बात समझ में। हाँ अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, हाँ ठीक है यहां तक देखो ध्यान से, दिख गया सबको, दिखा कि नहीं दिखा। तो ये वाला सिस्टम कितना आगे खसका एक्स, तो ये वाला सिस्टम कितना दूर आगे गया, ये पॉइंट कहाँ, यहाँ है ना, है ना, ये कितना आगे बढ़ा होगा, तो ये एल लेंथ में से एक्स कम गया होगा, कुछ है रखा हुआ जी, कुछ खत्म हो गया क्या सवाल। अरे बुलंद रे, इसको हम बनाएंगे, तुम लोग बना लोगे, ये सब डायमेंशन लेस चीज है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। व्हेन दे रीच बॉटम फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट व्हेन ब्लॉक मूव बॉटम, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अरे बोलो रे पापी साहब, तो कैपिटल एम मास एक्स आगे खसका, तो स्मॉल एम मास कितना, तो आर माइनस में एक्स आगे नहीं खसका, स्मॉल एम मास कितना खसका, आर माइनस में एक्स, कैपिटल एम मास एक्स। देखो ध्यान से इसमें क्या होने वाला है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को पूरे अच्छे से, क्या आज का लेक्चर तुम लोग को सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहला बात यहां तक जितना पढ़ाए वहां तक बताओ, है ना, और सबसे आसान से सवाल लगा है ना, कुछ था नहीं। अब ध्यान सुनो इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि स्मॉल कैपिटल एक कार्ट है जिसका वजन है एम दिया हुआ, ठीक है, रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, पेंडुलम बॉब है जिसका मास एम दे दिया है, ठीक है, हैंग्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार्ट, स्ट्रिंग ब्रेक्स, रस्सी काट दिया जाता है, फ्लोर ब्रेक्स, सेवलर कोलिजन, बहुत सारा कोलिजन वगैरह होता है और इस चक्कर में गड्ढे में गिर जाता है, मेरा बात समझ में आया, जो भी होता है अंदर में फ्रिक्शन वगैरह है ऑब्वियसली है, और एक और चीज तुमको दिखना चाहिए कि सरफेस में एनर्जी का लॉस हो रहा है, इस चक्कर में ये बेचारा बहुत सारे कैलकुलेशन कर करके नीचे गिर जाता है, दिख गया क्या तुम लोग को। अरे दिखा ना, ये यहां से रस्सी टूटा, ये बॉल नीचे गिरा, टक 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 करते हुए इधर गिर गया, दिखा क्या, अरे दिखा ना, ये देखो गिर गया ना, नहीं दिखा, आए देखो भाई गिर गया ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये यहां था,
ये यहां था, कार्ट अगर अपना एक्स आगे गया तो खत्म हो गया सवाल क्या? अरे नहीं हुआ रे, अरे कुछ तो बोलो, क्या नहीं आया बता तो, क्या नहीं आया? ये ब्लॉक गिरा, ब्लॉक गिरा तो जो बॉब था, इस बॉब ने जो मान लो कि बॉब ने जो भी है ना फ्रिक्शन मारा इधर की तरफ, इस चक्कर में इस पे फोर्स लगा गया, ये वाला ब्लॉक ऐसे ऐसे करते हुए आगे गिर गया, ठीक है। और ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहां पर तो कोई है नहीं, ये स्मूथ सरफेस है ना, इसलिए नेट फोर्स जीरो है, तो कार्ट को हिलना पड़ गया पीछे। बात समझ में आया अभी? ठीक है, तो कह रहे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये लेंथ वगैरह कुछ दिया है क्या? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्लॉट इज एल, यानी कि स्ट्रिंग से स्लॉट का जो लेंथ है वो एल दिया हुआ है, यानी कि ये लेंथ एल दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ, रुको हम फिर से इसको इरेज कर दे, बहुत सारा कचरा कर दिए, हम पूरा इरेज कर देते हैं, फिर से समझो। स्लॉट ये बॉल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्ट्रिंग रस्सी से स्लॉट के बीच का ये गड्ढा है, इसके बीच का लेंथ एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एल। अब मान लो कि स्लॉट ही मेरा एक्स से आगे खसक चुका है, तो बॉब कितना खसका होगा, एल माइनस एक्स ना, हो गया खत्म। तो स्मॉल एम मास कितना खसका, एल माइनस में एक्स, कैपिटल एम मास कितना खसका, एक्स, खत्म हो गया सवाल क्या? कुछ है रखा हुआ इसमें, ये एक्स आगे खसका, ये लेंथ कितना आगे खसका, तो एल माइनस में एक्स, बस। ओ भाई साहब, देखो तो दिख गया तुम लोग को, पूरे सरफेस में। एक बात ऐसे समझ लो, पूरे कहानी में जब भी बोलेगा कि वेज में फ्रिक्शन वगैरह नहीं है और पूरा सिस्टम चल उल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में पहला ही लाइन आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो करना है। क्या समझ में आ गया सबको? अरे जब बोल दिया कि वेज, ये जो सिस्टम है दिख रहा है ना, इतना सारा पूरा कचरा इस पूरे कहानी में, भाई पूरा प्लेटफॉर्म खुद भी भाग रहा है, आज तक कभी सवाल में पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं भगाए थे, याद है जितना सवाल करवाए थे सब, हाँ कभी नहीं भगाए थे, आज एकदम सारा प्लेटफॉर्म को छोड़े ही नहीं है ना, हर तरह का प्लेटफॉर्म भगा रहे हैं, है ना? अरे बोलो रे, हाँ है, देखो दिख रहा है ना, ये आगे खसका, ये इधर गया और ये पूरा सिस्टम आगे भागा, है ना, तुम लोग को दिख रहा है ना पूरे अच्छे से, है ना ऐसा? क्या फिर से तो ये फोर्स लगाया, इसने फोर्स लगाया नॉर्मल, इसके एक्स, इसके वाई, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है उसको बैलेंस किसने करा? अरे एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगा ना, हाँ इधर एमजी लग ही रहा है, इसको किसने बैलेंस करा? यहां जो टेंशन दिख रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट टी एक्स और टी वाई, टी एक्स और टी वाई, तो टी एक्स ने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है, क्योंकि भाई ये सरफेस पे कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रहा, ये स्मूथ है, इसको बैलेंस करना पड़ा, अगर रस्सी ऊपर लग रहा है, रस्सी ऊपर लग रहा है ना, और इस चक्कर में हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास जो है डिस्प्लेसमेंट, एक्स सेंटर ऑफ मास जो है ये जीरो है, लेकिन वाई सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं है, पूरा सिस्टम आगे पीछे हिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स में नहीं हिल रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, बस इतना ही दिखा हमको, और अगर हमको ये दिख रहा है तो स्मॉल एम मास, इतना तक समझ में आया सबको, इतना तक समझ में आया सबको ना? हे भगवान, मेरा मुंह दर्द करने लगा आज, तुम लोग का दिमाग दर्द किया कि आगे बढ़ जाएं? दर्द नहीं कर रहा है दिमाग? ओके अब देखो ध्यान से, तो अभी कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन एम मास कम्स आउट द वेज, ठीक है, स्मॉल एम मास जो है इससे निकल जाए, पूरा का पूरा ये बाहर आ जाए, ध्यान से देखना, ये पूरा ही मास मेरा बाहर आ जाए। अच्छे लेंथ कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर तुम लोग के दिमाग में बैठ गया तो बहुत अच्छे समझ में आएगा।
ये पूरा का पूरा वेज, अगर ये देखो ऐसे, और ये पूरा ही निकल जाएगा, अगर निकल जाएगा तो इसको कितना चलना पड़ेगा आगे। अगर मान लो कि पूरा का पूरा वेज हमारा एक्स आगे चलता है, तो ये पूरा वजन हमारा कितना दूर आगे चलेगा, देखो ध्यान से। ये पूरा वेज अपना हम ज्यादा बड़ा बना दिए हैं, ध्यान से देखना, सिर्फ बताना कि ये वेज कितना आगे बढ़ा और उसके हिसाब से बताओ कि ये कितना आगे बढ़ा। यहां था ना वेज, अब देखो कितना बढ़ा, देखो ये वेज कितना आगे बढ़ा, एक्स आगे बढ़ गया। सिर्फ वेज को देखो, वेज 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 देखो, वेज अभी यहां है, वेज अभी यहां है, सबको दिख रहा है ना, वेज अपना एक्स आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अब बताओ कि अगर ये निकलना चाहता है तो इसको कितना, ये पूरा का पूरा निकलने के लिए इसको कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा, एल प्लस में एक्स, क्योंकि एल लेंथ ही निकलना था इसको निकलने के लिए, और एक्स निकलना पड़ेगा इसको, तब ना यहां से निकलेगा। अरे अगर ये ब्लॉक ऐसे ससरते वो ससरते पूरे निकल गया, इसे निकल गया, तो इसको लेंथ को कितना कवर करना पड़ेगा, इसको कितना चलना पड़ेगा, एल प्लस मैक्स। इतना बात दिखा कि नहीं दिखा। स्मॉल एम जो मास है, ए वाला ब्लॉक, और इसको बी वाला ब्लॉक कर देते हैं, ए वाले ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो एम ये कितना चला, एल प्लस में एक्स लेंथ चला। तो बी वाला ब्लॉक जो है जिसको एम मास है, इसको कितना चलना पड़ेगा, पड़ा होगा, तो एल प्लस में एक्स लेंथ, ये भी स्लाइड नीचे करेगा। अरे बोलो रे, जितना रस्सी इधर छोड़ेगा उतना रस्सी इधर गिरेगा, है ना। तो ये, हाँ, तो ये भी नीचे की तरफ तरफ कितना गिरेगा, एल प्लस में एक्स। हाँ, तो इसके इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लेंथ कवर करेगा ये, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। हाँ अरे बाबा, रस्सी ही तो खींच रहा है ना, रस्सी तो ससर रहा है ना, ये देखो रस्सी तो समेट आ रहा है ना, रस्सी जो यहाँ था वो पूरा का पूरा एल प्लस में एक्स लेंथ नहीं खसकेगा, तो वेज कैसे निकलेगा, ये ब्लॉक कैसे निकलेगा। और अगर ये ब्लॉक निकल रहा है, बात समझ में आ रही हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ब्लॉक अगर निकल रहा है तो पूरे ब्लॉक का जो रस्सी कहाँ जाएगा, वो तो इसी को ना मिलेगा। हेलो, है ना नंदिनी। हाँ, ये लेंथ हमारा एल प्लस में एक्स लेंथ अगर हमारा इधर की तरफ ससरेगा, तो पूरा रस्सी कहाँ घुसेगा, इसी में ना जाएगा, वो तो इसी को नीचे जाना पड़ेगा, एल प्लस में एक्स लेंथ आगे, तो इधर की तरफ एक्स में कितना गया, एल प्लस में एक्स कॉस थीटा आगे गया, है ना। एक्स में एम मास कितना गया, एम मास कितना गया, एल प्लस में एक्स का कॉस थीटा, ये ना गया, तो कैपिटल एम मास कितना खसता है, एक्स, ये ना है, तो जो आगे बराबर जो पीछे, क्या सवाल समझ में आया। अब आगे कौन गया, तो आगे गया सिर्फ यही स्मॉल एम मास, एल प्लस में एक्स कॉस थीटा, है ना। अब पीछे कौन गया, स्मॉल एम मास कितना, एल प्लस में एक्स से, और प्लस में के मेल, नहीं, रहने दो, क्या दिक्कत है, कोई सवाल नहीं है। अरे कर भी लोगे तो कोई बड़का ही सुने ना, हमको तो एक्स से मतलब है ना, क्या तुम लोग को दिखा बन जाएगा एक्स, गुड। क्या ये सवाल हम बना देंगे तुमसे बन जाएगा, ये आर है और ये भी आर है, बन जाएगा। देखो ये कितना आगे बढ़ा, देखो ध्यान से, ये लेंथ है कितना पहले ये बताओ खाली, अगर ये थीटा है तो ये लेंथ आर कॉस थीटा, ये लेंथ आर साइन थीटा है क्या, जहां पहुंचना है इसको। अगर मान लो कि वेज अपना पीछे की तरफ एक्स से, सॉरी वेज अपना पीछे की तरफ एक्स से आगे गया, खत्म हो गया सवाल, क्या ये तो साफ दिख रहा होगा, आर माइनस आर साइन थीटा में से एक्स कम ही चला होगा ना। अरे तुम लोग को नहीं दिखा रे, आर साइन थीटा में से एक्स गया होगा कम, और कैपिटल एम मास एक्स खसका, खत्म हो गया। ये सवाल है थोड़ा एस सी वर्मा का है, दो तीन सवाल है, हम छोड़ दे रहे हैं, और बाकी ये वाला तुम बना लेना, ठीक है, ये मैन है,